और गेट हम लोगों का 1, 2, 3 ये छोड़ करके, और एक 13 नंबर गेट है जो मीडिया के लिए आरक्षित है, ये छोड़ करके बाकी सभी गेट आम लोगों के लिए ओपन है। किसी भी गेट से गांधी मैदान में प्रवेश कर सकते हैं हम लोग और किसी भी गेट से फिर निकल सकते हैं, ये व्यवस्था हम लोगों ने। एसपी रैंक के कम से कम 4 ऑफिसर लगे, एसपी सेंट्रल है, एसपी ट्रैफिक है, उसके अलावा एसपी लॉ एंड ऑर्डर और एसपी क्राइम को भी लगाया गया है गांधी मैदान के कार्यक्रम को, और लगभग जो है 12 डीएसपी लगाए गए, डीएसपी और एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक के 5 डीएसपी हैं, वो भी ट्रैफिक जो है गांधी मैदान उसके चारों तरफ देखेंगे। रावण वध को लेकर राजधानी पटना के गांधी मैदान में पूरी कर ली गई है तैयारी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। विजयदशमी के अवसर पर हर साल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम चलता है, जिसको लेकर हाईटेक व्यवस्था की जाती है और किस गेट से किस लोगों को एंट्री लेनी है इसकी भी पूरी जानकारी मिलती है। और ऐसे में अगर इस बार रावण वध देखने के लिए अगर आप गांधी मैदान जाने वाले हैं तो जाने से पहले इस खबर को अंत तक जरूर देखें कि आप किस रास्ते से गांधी मैदान में एंट्री कर सकते हैं और क्या क्या व्यवस्था आपको गांधी मैदान के अंदर देखने को मिलेगी। दरअसल राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज होने वाले रावण वध कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पूरे गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांटकर वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में सभी व्यवस्था की गई है। पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी ने शुक्रवार की देर शाम गांधी मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है। वहीं गेट संख्या 13 से मीडिया का प्रवेश और आम जनता का गेट संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 से प्रवेश मिलेगा। वहीं जिलाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक पटना राजीव मिश्रा ने कहा कि गांधी मैदान पटना में 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रावण वध कार्यक्रम के अवसर पर उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुगम का यातायात एवं सुदृढ़ विधि व्यवस्था। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह का। लोगों के निकलने की व्यवस्था है सब हम लोग देख रहे हैं, कहीं कोई व्यवधान नहीं रहे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं हो, लोगों को असुविधा नहीं है। कुल मिलाकर की तैयारी अच्छी है और फाइनल टच उसको लोग दे रहे हैं, आज रात भर में तैयारी पूरी कर लेंगे जो बचा खुचा काम है और कल हम लोग सफलतापूर्वक इसको संपन्न कराएंगे, ये हम लोगों का प्रयास। कितने लोग आएंगे सर, कुछ आप लोगों ने एस्टिमेट रखा होगा? नहीं, ये तो बहुत भीड़ होती है इसमें, जो हम लोग देखे हैं पूर्व का जो अनुभव है उतनी भीड़ किसी और कार्यक्रम में गांधी मैदान में नहीं होती। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और आते समय कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन कार्यक्रम समाप्ति के बाद जाते समय सब लोग एक साथ जाना चाहते हैं, सभी गेट पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो वो एक चुनौती हम लोगों को रहती है। इसके लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि जाते समय कोई हड़बड़ी नहीं करें और प्रतीक्षा कर लें, 10 मिनट 15 मिनट बाद बल्कि निकलें, हड़बड़ी नहीं करें। और भीड़ बहुत होती है, लगभग लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कितने मैजिस्ट्रेट गेट मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी पर्याप्त संख्या में, और पुलिस बल भी पर्याप्त संख्या में लगाया गया है और वरीय पदाधिकारी भी लगाए गए हैं। पूरा 4 जोन में बांट करके हम लोगों ने जोनल ऑफिसर और जोनल टीम भी बनाया है। और गेट जो है मुख्य रूप से जिससे लोगों जिस पर लोगों की भीड़ होती है वो है 4 नंबर गेट है, 5 नंबर है और उसके अलावा 7 नंबर है, 10 है, 12 नंबर है, इस पर ज़्यादा भीड़ होती है। और गेट हम लोगों का 1, 2, 3 ये छोड़ करके, और एक 13 नंबर गेट है जो मीडिया के लिए आरक्षित है, ये छोड़ करके बाकी सभी गेट आम लोगों के लिए ओपन है। किसी भी गेट से गांधी मैदान में प्रवेश कर सकते हैं लोग और किसी भी गेट से फिर निकल सकते हैं, ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। कौन कौन से वीवीआईपी आ रहे हैं सर आने की सूचना? नहीं, ये तो समिति के लोग बताएंगे। अभी तक जो हम लोगों को सूचना दी गई है कि माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से रहेंगे और उसके अलावा अन्य जो गणमान्य लोग हैं उसके बारे में समिति के लोग कमेटी के लोग सूचना दे सकते हैं। ट्रैफिक का हम लोग गांधी मैदान के चारों तरफ और गांधी मैदान की तरफ जो रोड आ रहे हैं वहां का ट्रैफिक डाइवर्ट करके रखा है, उसका प्रकाशन भी हम लोगों ने करा दिया है मीडिया के माध्यम से सभी लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि उस दिन पैदल चलने वाले लोगों की बहुत भीड़ रहती है तो उसमें गाड़ी आने पर काफ़ी व्यवधान होता है और बहुत असुविधा होती है लोगों को, तो उसको ध्यान में रखते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। फोर्स में स्टेट भी हम लोगों ने दिया है और गांधी मैदान के चारों तरफ और चारों तरफ से जो रोड आ रहे हैं उसमें पैदल आवागमन ही होगा, वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मूर्ति विसर्जन सर कल से होगा या फिर? मूर्ति विसर्जन जो है 13 तारीख को। देखिए कल जो है आप सभी लोगों को पता है कि गांधी मैदान में रावण वध का कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तभी हम लोग उन्हीं तैयारियों को अंतिम चरण में देख रहे थे। लगभग सारी तैयारियां हो गई, रोशनी वगैरह की भी पर्याप्त व्यवस्था है
पुलिस साइड से हम लोगों ने जो है जो आसपास दुकानें हैं उनको सबको बता दिया गया। वो लोग भी इस बात पे एग्री किए हैं कि सुबह जो है कल से जो गांधी मैदान चारों तरफ अस्थायी दुकानें हैं वो सब नहीं लगेंगी। इसके अलावा जो भी इस तरह की चीज़ें हैं नगर निगम से और पुलिस जो स्थानीय पुलिस है उनके आपस में कोऑर्डिनेशन के द्वारा हम लोग सारी चीज़ें क्लियर करा लेंगे, जिससे जो हमारा एंट्री और एग्जिट है वो किसी प्रकार से बाधा नहीं आए, उसमें बाधा रहित रहे। और जो अटल पथ है और गंगा पथ है उस पर भी जो है ट्रैफिक स्मूथ रहे, और साथ ही साथ जो अप्रोच रोड्स आते हैं गांधी मैदान की तरफ उस पर भी निकलते समय किसी को कोई असुविधा न हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोगों ने तैयारियां की हैं। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये पूरा कार्यक्रम है गांधी मैदान का कल रावण उत्सव बहुत अच्छे से सम्पन्न हो जाएगा। कितने अधिकारी सर लगाए गए? देखिए इसमें एसपी रैंक के कम से कम 4 ऑफिसर लगे हैं, एसपी सेंट्रल हैं, एसपी ट्रैफिक हैं, उसके अलावा एसपी लॉ एंड ऑर्डर और एसपी क्राइम को भी लगाया गया है गांधी मैदान के कार्यक्रम को, और लगभग जो है 12 डीएसपी लगाए हैं, डीएसपी और एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक के 5 डीएसपी हैं, वो भी ट्रैफिक जो है गांधी मैदान उसके चारों तरफ देखेंगे। तो पर्याप्त संख्या में सीनियर ऑफिसर्स भी लगाए गए और उनके नीचे जो है बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स और पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, तो पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज रावण वध होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी गांधी मैदान में पूरी हाईटेक व्यवस्था की गई है, और ऐसे में पटना के डीएम ने खुद गांधी मैदान का निरीक्षण किया है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। इस बीच पटना के डीएम का क्या कुछ कहना था, क्या कुछ व्यवस्था गांधी मैदान में की गई है, इसको लेकर तमाम जानकारी पटना डीएम देते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, आप देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।